आपके आसपास ऐसे हजारों लोग होंगे जो अपने हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, चाहे आप माने ना माने, लेकिन हो सकता है कि जब आप जन्मे तब कहीं ना कहीं आपके घर वाले भी किसी ना किसी ज्योतिष के पास जाकर आपकी कुंडली निकाल कर आए। वैज्ञानिक पुरावों के साथ, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ ज्योतिष शास्त्र क्या खरे उतरता भी है? चाहे सुमेर हो या इजिप्ट हो या भारत हो, यहाँ से बड़े पैमाने पर इन चीजों की निर्मिति हुई और बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर में इस चीज को भी फैलाया गया। आज हम ज्योतिष शास्त्र पे थोड़ा सा बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान, ये आज के प्रवचन का विषय है। आज और कल हम इन दोनों दिनों में इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा जो भी गहनता आ सकती है उस हिसाब से बात करें। याद रहे कि ज्योतिष शास्त्र पर बात करते वक्त एक दो चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं कोई किसी ग्रह के बारे में, किस ग्रह का किस तरह से प्रभाव होता है, इन चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम इतनी ही बात करेंगे कि वैज्ञानिक पुरावों के साथ, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ ज्योतिष शास्त्र क्या खरे उतरता भी है? क्या ज्योतिष शास्त्र विज्ञान के हिसाब से काम करता है या बस कहावत है? और दूसरा दिन जो कल का दिन है उसमें हम कुछ अलग सब्जेक्ट लेंगे इसी पर, ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड ही। लेकिन अगर जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं और जो बाकी लोग भी हैं, अगर किसी को लगता है कि इसमें कोई सब्जेक्ट ऐड किया जाना चाहिए, कल कोई सवाल ऐड किया जाना चाहिए, तो वो उस हिसाब से आश्रम के लोगों को बता सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। हर कोई, जब आप भारत में रहते हैं तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर आपने इन चीज़ों को अपने भीतर अनुभव किया, अपने आसपास की दुनिया में आपने इसे अनुभव जरूर किया होगा। इंडिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इन सारी चीजों के आसपास कभी भी बना ना, चाहे आप माने ना माने, लेकिन हो सकता है कि जब आप जन्मे तब कहीं ना कहीं आपके घर वाले भी किसी ना किसी ज्योतिष के पास जाकर आपकी कुंडली निकाल कर आए। आपके आसपास ऐसे हजारों लोग होंगे जो अपने हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से मानते हैं। शुभ शकुन, अपशकुन, समस्या, ये सारी की सारी चीजें वो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ही सॉल्व करने की कोशिश में हमेशा रहते हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या ये वैज्ञानिक है या नहीं। एक दो चीजें हम पहले समझ ले ज्योतिष शास्त्र के बारे में। ये है कि जब तक आप पीछे जाएंगे, आप पाएंगे कि कोई भी ऐसी संप्रदाय, कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन जो जिया और कुछ समय तक उसने अपने को मेंटेन किया, उसने खुद की यात्रा इतनी भी कर ली कि वो खेती कर पाए, घरों की निर्मिति कर पाए, थोड़े से कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ रहने लगे, हर उस कम्युनिटी में, हर उस सिविलाइजेशन में आप पाएंगे कि ज्योतिष शास्त्र कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई बड़ी सिविलाइजेशन हो जहां पर आपको ज्योतिष शास्त्र के परिणाम नहीं मिलते। हर इंसान, हर सभ्यता का इंसान आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं पे चांद सितारों में कुछ खोजबीन कर रहा है, चांद सितारों के आसपास ही उसका पूरा जीवन केंद्रित है। आप पाएंगे कि उन्होंने बहुत मेहनत ली हजारों सालों तक कि एक एक चंद्र, एक एक ग्रह, एक एक तारा सितारा किस तरह से घूम रहा है इसको देखने के लिए। चाहे सुमेर हो या इजिप्ट हो या भारत हो, यहाँ से बड़े पैमाने पर इन चीज़ों की निर्मिति हुई और बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर में इस चीज़ को भी फैलाया गया। जितना हम पीछे जा सकते हैं हम यही पाएंगे कि इसका जो मूल है वो इंडिया ही है। भारत में ही उस पर इतना ज़्यादा गहराई से काम हुआ जितना शायद ही किसी दूसरी सभ्यता ने किया। जो लोग ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले हैं वो ये जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में राशि नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। नक्षत्रों के हिसाब से ही पहले कुंडलिनी देखी जाती थी, लेकिन अब कुछ समय के बाद जब इजिप्ट में राशियों का निर्माण हुआ, उन्होंने ऐसे पिलर्स बांधे, बड़े बड़े ऊंचाइयों पर लोग बैठते थे और बहुत सारी आकाश गंगाओं को ऊपर रात में हमेशा देखते रहते थे, उनकी कॉन्स्टिलेशंस को देखते रहते थे, और उन कॉन्स्टिलेशंस को देखते देखते ही उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई जो दुनिया भर में फिर एक्सेप्टेड हुई। तो ये कलेक्टिव है, आज जो भी ज्योतिष शास्त्र है उस हिसाब से काम करता है कि कई सभ्यताओं ने एक दूसरे को इसकी जानकारी बांटी और वो विकसित हुए इस विज्ञान के तहत। आप पाएंगे कि पुराने से पुराने विज्ञान को हमेशा धुतकारा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के साथ भी वैसा ही हुआ। ज्योतिष शास्त्र के साथ समस्या ये हुई कि क्योंकि वो पुराना है इसलिए उसे नकारा गया। लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं, इसे विज्ञान का कोई प्रमाण नहीं। समस्या ये हुई है कि आप पाएंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में एक समय के बाद हुआ ये कि जैसे आध्यात्म में कुछ होते हैं ज्ञानी, फिर होते हैं अज्ञानी, और आधे होते हैं अर्धज्ञानी।
अर्धज्ञानी वो लोग हैं जो थोड़ा मोटा तो कहीं से कुछ सुन लिया, पढ़ लिया और खुद को बड़ा ज्ञानी समझकर घूम रहे। उसी तरह से विज्ञानिक क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं। विज्ञान के क्षेत्र में वो लोग हैं जो सच में विज्ञान के दुनिया में काम कर रहे हैं, कई सालों तक काम कर रहे हैं, 20-20, 25-25 सालों तक एक एक सब्जेक्ट को लेकर उसके पीछे पड़े। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें विज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं, और कुछ 95-96 या 98% तक भी हम कह सकते हैं ऐसे लोग हैं जिन्हें विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, जिन्हें कुछ रिसर्च के बारे में पता नहीं, जिन्हें कुछ पता नहीं है अध्यात्म के बारे में भी, किसी के भी बारे में उन्हें पूरी डीप नॉलेज नहीं है, और फिर भी वो कहने के लिए तत्पर रहते हमेशा, नहीं, विज्ञान इसकी परमिशन नहीं देता। वो ये कह देते हैं आराम से कि नहीं, ये तो अवैज्ञानिक है। ऐसे लोगों को हमेशा एक चीज पूछना कि प्रूफ कहाँ पर है, क्योंकि जो लोग मानने वाले हैं, जो इस विज्ञान को मानते हैं, उनके जीवन में उसके द्वारा प्रभाव निर्मित है। उन्होंने देखा कि वो किसी के पास गए, अपनी पत्रिका को देखा और उनके जीवन के जो चीजें थी उसने एग्जैक्टली बता दी, उसी तरह से उसका जीवन संचालित हुआ है और उसी तरह के प्रॉब्लम से वो जा रहा। इसका मतलब यही है कि उसका अपना अनुभव है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में वो सोचे प्रूफ लाने के बारे में जो लोग ये मानते हैं कि ये है, तो वैज्ञानिक पुरावा इकट्ठा करना उनका काम। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में हजारों लोगों ने ज्योतिष शास्त्र पर वैज्ञानिक के रूप से काम करने की कोशिश की, और आज तक किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में ये चीज सामने नहीं आई कि ये काम नहीं करता, बिल्कुल भी। जितने भी हजारों एक्सपेरिमेंट ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड किए गए, उनमें हमेशा एट द एंड यही चीज निकली कि हाँ, ये काम करता है। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ऐसे ही कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में मैं आज आपको चीजें बताऊंगा। एक दो चीजें इसमें और समझ लेने जैसी है, वो ये है कि उन लोगों के लिए कि जो खुद को बड़े वैज्ञानिक समझते हैं और इन चीजों को ऐसे कर देते हैं कि नहीं, ये तो काम ही नहीं करता, ये तो अंधविश्वास है और ये है और वो है। पहली बात तो यह है कि वैज्ञानिक वो इंसान है जो क्यूरियस है। इस चीज को समझो आप, वैज्ञानिक का अर्थ ये नहीं है कि वो हर चीज को नकारता हुआ घूमे। वैज्ञानिक का अर्थ ये नहीं है कि वो हर चीज को धुतला दे, वो कह दे कि नहीं, ऐसा है ही नहीं। वैज्ञानिक वो इंसान है जो क्यूरियस है, वो जानने के लिए उत्सुक है। अगर उसके सामने कोई चीज आएगी जो उसको नहीं पता, तो वो छानबीन करेगा, ढूंढेगा, पता करेगा और उसके बाद में तथ्य सामने रखेगा ये कहते हुए कि हाँ, ये काम करती है या नहीं। वो है वैज्ञानिक। और वो लोग जिन इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते और बस यूं ही कह देते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, किसी एक बच्चा या लड़का या लड़की के जीवन में ग्रह तारे किस तरह से काम कर सकते हैं, और वो छोटा सा बच्चा है उस पर ग्रह तारे क्या काम करेंगे। ये जो तर्क है, ये सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। इस तर्क को सुनने में ऐसा लगता है कि बात तो बराबर कह रहा है, इतने विशाल ग्रह तारे, इतनी विशाल पूरी की पूरी ब्रह्मांड, और एक छोटा सा कण के मुकाबले भी उसके सामने कुछ नहीं, ऐसा छोटा सा इंसान इसके जीवन में ये ग्रह तारे कैसे काम कर सकते हैं। तो हमें बड़ा तार्किक लगता है ये सवाल, और इसका जवाब जब हमें मिलता नहीं तो हम कहते कि नहीं, ये काम नहीं करेगा। दूसरी चीज एक और इसमें देखी जाती है कि अगर आप पिछले कुछ 200-400-500 सालों का इतिहास पूरी दुनिया का देखेंगे, स्पेशली पिछले 200 सालों का, तो आप पाएंगे कि दुनिया के हर देश में, दुनिया भर में जो देश है उनमें से मैक्सिमम देश जो है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के लिए झगड़ रहे थे। आप पाएंगे कि दुनिया भर की कंडीशन 200-300 सालों में ये थी, 100-200-300 सालों में, कि दुनिया भर के देश एक दूसरे के साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। हो सकता है कि कोई कहीं से आकर उनकी पारतंत्र कर रहा हो, या वो एक दूसरे से लड़ रहे हो, और वो भी जमीन के लिए। इस पूरे की पूरी समस्या के दरमियान हुआ ये, जैसे भारत में भी हुआ। भारत 1957 में ही गुलाम बन चुका था, लेकिन ये बात सही है कि 1857 तक आते आते लोगों को पता ही नहीं था कि हम गुलाम हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऊपर बदलता ही रहता था। कभी मुगल आए, कभी कोई आया, कभी कोई आया। तो हुआ ये कि उनके लिए ये चीज एकदम नॉर्मल हो गई थी कि ऊपर कोई भी बदले अपने जीवन को, जब तक तकलीफ नहीं हमें कुछ लेना देना नहीं। ये 100 साल लगे इंसान को समझने के लिए हमारे देश में कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है। और उसके बाद के 50 साल इसलिए गए कि दुनिया को, पूरे देश को ये समझाने के लिए कि ये पारतंत्र के द्वारा हम कितने पीछे आ गए, इस पारतंत्र के द्वारा हमारी पूरी की पूरी हालत क्या है, और आगे के 50 साल लगे पूरी की पूरी मूवमेंट करने के लिए। तब जाके 1947 में हमारा देश कहीं स्वतंत्र हुआ। मतलब ये पूरी की पूरी अगर आप मोमेंट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग अनअवेयर थे अपने ही तकलीफ के साथ, और उस वक्त का कारण भी ये था क्योंकि एक लंबी गुलामी के कारण तबके पड़ गए थे समाज में बहुत सारे। ज्योतिष शास्त्र जितना सही है उतना ही उसका गलत भी उपयोग किया गया इस हिसाब से, क्योंकि समाज का जो निचला वर्ग था
उनके हिसाब से इसे इस तरह से यूज़ किया गया, उन्हें कहा गया ये तुम्हारा नसीब है और इसी के हिसाब से तुमको जीना। क्योंकि लोग जानते थे कि समाज के निचला जो स्तर है उसमें बहुत सारे लोग हैं, अगर कभी उनकी खन की, अगर कभी उन्हें तकलीफ हुई और उन्होंने सोचा भी कि राजा को मार दिया जाए और राजा को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया जाए तो देर नहीं लगती। हम सब ने फ्रांस में इस तरह की चीज़ें देखी है, हमने पढ़ी भी है 8वीं 10वीं में कि फ्रांस में ये चीज़ हुई कि राजा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो लोगों में इतनी समझ की निर्मित हुई कि उन्होंने पूरे के पूरे राज्य को ही खत्म कर दिया, पूरे राज्य शासन को ही खत्म कर दिया और एक इंडिविजुअल स्टेट की निर्मित की। इस तरह के बहुत से उदाहरण हमारे सामने पिछले 100-200 सालों में है। इसका यही मतलब है कि समाज के वो तबके के वर्ग कि जो बहुत बड़े पैमाने पर है और उन्हें कंट्रोल इस हिसाब से किया जा रहा है कि यही तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारा नसीब है, उससे उनको बाहर लाने के लिए पूरे दुनिया के समाज सेवकों ने एक मोमेंट चलाई और वो ये उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र काम ही नहीं करता। तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो बहुत बड़ा है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं उन्हें इस कैटेगरी में डालता ही नहीं हूँ कि भाई वो जानते नहीं थे या वो समझदार नहीं थे, ना ना, उनका काम कुछ अलग। बात बस इतनी सी समझो कि वो इतने होशियार लोग थे कि वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो कौन, लेकिन उन्हें ये चीज़ कहनी पड़ी सिर्फ इस हिसाब से क्योंकि जिन समाज के वर्गों के साथ वो काम कर रहे थे उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उन्हें बताई गई चीज़ें, उन्हें ये बताया गया था कि तुम्हारे नसीब के कारण तुम्हारा ये हाल है, उन्हें ये बताया गया था कि तुम्हारे नसीब के कारण तुम्हारी ये समस्या है और इसी के कारण पूरी की पूरी समस्या उनका जीवन एक पीड़ित अवस्था में गया। और शायद इसीलिए समाज का जो सेवक वर्ग था, समाज सेवक वर्ग था जो पूरे समाज को जागरूक कर रहे थे, उन सामाजिक सेवकों ने बहुत बड़े पैमाने पर इस मोमेंट को चलाया कि भाई ज्योतिष शास्त्र ये काम ही नहीं करता। तो ये हो गई पिछली बात। अगर हम दुनिया भर का इतिहास भी पता करें तो आप पाएंगे कि मायन सभ्यता को अगर आप देखेंगे, मायन सभ्यता ने कहा था कि डूम्स डे आएगा 21st of December 2012, सबने सुना होगा दुनिया का अंत होने वाला है मायन सभ्यता के हिसाब से। 2012 की मूवी भी उस पर बनी थी कि प्रलय आ रहा है एंड ऑल दैट थिंग। मजे की बात यह है कि मायन सभ्यता का इतिहास स्टडी करने वाले लोगों ने यह पता किया कि हजारों साल पहले की यह सभ्यता थी और किसी एक मोमेंट के लिए इतनी वो किस तरह से कॉन्शियस थी। मैं आपको बताऊं कि मायन सभ्यता का इतिहास जो जाता है वो 5 से 10 हज़ार साल पहले का जाता है। 5 से 10 हज़ार साल पहले दक्षिण अमेरिका में और उस पूरे एरिया में इस तरह की सिविलाइजेशन थी। अगर आप उस एरिया में कभी जाएंगे और मायन की पिरामिड्स देखेंगे, उन लोगों का कल्चर देखेंगे, तो आप बड़े भौचक के रह जाएंगे कि इतनी बड़ी चीज़ें वो लोग इतनी पुराने समय में किस तरह से निर्मित कर सकते हैं। तो कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो इसको कहते कि नहीं नहीं ये तो एलियन की मदद, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि इन मायान सभ्यताओं ने भी बहुत बड़े पैमाने पर तारों सितारों को गना था, तारों सितारों का अध्ययन किया था। एक हजारों साल पहले लुप्त हो चुकी सभ्यता किस तरह से एक पर्टिकुलर डे के बारे में इतनी एक्यूरेट हो सकती। दुनिया का अंत तो हुआ नहीं, ये तो सब जानते, लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये डेट को एक बहुत मजे की बात हुई, इस डेट को एक बहुत क्रांतिकारी हिस्टोरिकल चीज हुई, और वो ये कि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, ये हम सब जानते हैं, और इसी के हिसाब से वहां के ऋतु भी बदलते, लेकिन हमारा जो सूर्य है वो भी, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका केंद्र नहीं। हमने ये पता किया है कुछ सालों पहले कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का जो केंद्र है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, एक तरह का ब्लैक होल है, और ऐसे ब्लैक होल के कारण ही कोई भी गैलेक्सी बनती है क्योंकि उसमें जितनी गुरुत्वाकर्षण होती है उसी के कारण एक गैलेक्सी उसके आसपास निर्मित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने यह पता किया कि 1 लाख प्रकाश वर्ष की अंतर, 1 लाख प्रकाश वर्ष, इतनी बड़ी ये मिल्की वे गैलेक्सी है करीब करीब। करीब करीब का कारण यह है क्योंकि एग्जैक्टली किसी को पता नहीं, ये अंदाजन अंतर ही है। अब प्रकाश वर्ष का मतलब क्या, इसे इस तरह से समझे कि जब हम पृथ्वी से बाहर की चीज़ों को नापते हैं, अंतरों को नापते हैं, तो वहां पे हमारे किलोमीटर, मीटर, नॉटिकल माइल्स ये काम के नहीं, वो इतने दूर है कि वहां पर हमें एक अलग प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रमाण ढूंढा गया प्रकाश की किरण के साथ। हमें ये पता है कि जो प्रकाश की रफ्तार है, कोई भी चीज, कोई भी लाइट की जो रफ्तार है वो है करीब करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर तक ट्रैवल करता है, और यही प्रकाश 1 सालों तक जितना अंतर ट्रैवल करेगा उसे कहा जाता है 1 प्रकाश वर्ष। और ऐसे ही 1 लाख प्रकाश वर्ष का अर्थ यह है कि अगर हम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक पॉइंट से निकलेंगे,
सूरज की प्रकाश की गति के साथ, तो दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए, अंतिम टप्पे पर पहुंचने के लिए हमें 1,00,000 साल लग जाए। ठीक, ये तो बेसिक चीज। अगर हम जाने तो हम देखेंगे कि जो बीच का ब्लैक होल है, जो सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी है, उससे 40,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारा ये जो पूरा का पूरा सन है, हमारी जो सोलर सिस्टम है, ये बनी हुई। और ये जो सूरज है ये भी घूम रहा है इसके मिल्की वे के साथ। ऐसा नहीं है कि ये स्थिर है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे अड़ित है। हमें ऐसा पहले लगा था कि ये एक जगह पे होगा, ना, ऐसा नहीं। जैसे हमारी सूर्य हमारे पृथ्वी के आसपास घूमती है, वैसा ही जो हमारा सूर्य है ये इस कॉन्सेंट्रेटेड ब्लैक होल के आसपास घूमता रहता है, चक्कर काटते रहता है। और इसके भी सेशंस है, मतलब जिस तरह से हमारे कि हर 4-5 महीने के बाद हमारे यहाँ पे ऋतु चक्र बदलता है, वैसा ही इसका ऋतु चक्र हर 26,000 साल में बदलता है। ये चीज पता की गई थी मायान सभ्यता के द्वारा, जो बहुत बड़ी चीज थी। अब मजे की बात यह है कि अगर हम सूरज और चांद की बात करें, जो हमें पता है, जो हमारे आंखों से दिखते, उसके बारे में अगर कोई प्रिडिक्शन की जाए तो शायद बड़ी बात नहीं है। लेकिन ब्लैक होल, जिसका प्रूफ अभी पिछले 100 सालों पहले भी उसका प्रूफ नहीं था, लोगों को पता था, अंदाजन था, कैलकुलेटिव अंदाजन थे, लेकिन 70-80 सालों के पहले ब्लैक होल का कोई प्रूफ मानने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। अभी 2020 के आसपास, 2016-17 में ब्लैक होल की पहली इमेजिनरी ली गई, अभी ली गई। उसके पहले तो हमको पता भी नहीं था किस तरह से दिखता है। हमारा एक अजम्पशन था, जो भी हमें डेटा रिसीव होता था उसके हिसाब से, जो एनिमेटेड पूरे के पूरे ग्राफिक्स बनते थे उसके हिसाब से हमारा एक अंदाजा था। ठीक, मतलब मजे की बात यह है कि इस सभ्यता को कैसे पता, ऐसा क्या हुआ था, इनकी जो ज्योतिष की गणना थी, इनकी जो तारों की गणना थी, जो इतनी एक्यूरेट थी कैसे। इसका इतना ही मतलब है कि एग्जैक्टली इस तरह की चीजें कभी ना कभी थी। ये चीज हमारे जीवन पे किस तरह से प्रभाव डालती है, इसका पूरा अंदाजा उन्हें था, और इसी के हिसाब से इन लोगों ने उस विज्ञान को जनरेट किया। इन लोगों ने और एक चीज प्यारी कही थी, उन्होंने कहा था कि 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी। खत्म इस चीज का यह मतलब नहीं है कि पूरी तरह से विनाश हो जाएगी, खत्म इस चीज का मतलब है कि इसका जो स्वरूप है वो पूर्ववत नहीं रहेगा, ये पहले जैसी नहीं रह जाएगी, इसमें परावर्तन आएगा बहुत बड़े पैमाने। इसलिए आप पाएंगे कि 10 साल पहले के बाद से, मतलब 2012 के बाद से, आप पूरी दुनिया का अगर एक स्थिति देखें, पूरी दुनिया की आप नेचुरल स्थिति देखें, तो आप पाएंगे कि बहुत अंतर आ गया। पिछले 2-3 सालों में आप ये देख रहे हैं कि धूप काला हो, कुछ भी हो, साल भर बारिश गिर रही, ठंडी अपने आप कम हो चुकी, धूप बढ़ रही है, पानी भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो ठंडी है वो कहीं इस एरिया में कम कम होने लगी। अगर मैं तुम लोगों की बचपन की बात करूं तो तुम पाओगे कि दशहरा आते आते स्वेटर पहनने जितनी ठंडी बढ़ जाती थी, अब तो दिवाली जा चुकी, दिसंबर आ चुका, दिसंबर भी जाने का है, लेकिन फिर भी इसमें कोई भी ऐसी ठंडी नहीं है जैसे पहले पहले की शुरुआती दिनों में ही रहती। ये सब लोग जानते हैं कि होली तक पहले ठंडी रहती थी, अब ये होली की ठंडी तो छोड़ो, जनवरी का मंथ लास्ट आते आते ही ठंडी कहीं पर गायब हो जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि ये जो पृथ्वी के आसपास की भी जो चीजें बदल रही है, ये जिस तरह से सूरज अपने कॉन्स्टिलेशन से बदला, सूरज ने अपनी स्थितियां बदली, उसके पूरे के पूरे सोलर सिस्टम पर पड़ने वाले पूरा का पूरा जो इफेक्ट है वो भी आया। इसलिए पृथ्वी पर भी उसके इफेक्ट गिरे, और पृथ्वी पर के इफेक्ट के कारण हमारे जीवन में तब्दीली होगी। अगर 26,000 साल के बाद अभी भी अगर हम नहीं बदले, हमने खुद की खेती करने की चीजों को नहीं बदला, हमने हमारी चीजों को नहीं बदला, हमने ऋतुओं के हिसाब से हमारी जीवन पद्धति को नहीं बदला, तो कुछ ही सालों में हम पाएंगे कि हमारे आसपास की चीजें नष्ट होने लगी। और ये हो भी रहा है। अगर हम पहले की तरह खेती करेंगे अब, तो हम पाएंगे कि कहीं भी बीच में ही बारिश आ गई, गड़बड़ हो गई, और पूरा का पूरा जो पीक है, पूरी की पूरी जो खेती है, वो खराब हो गई। इसका इतना ही मतलब है कि अब वापस से पृथ्वी की जो पूरी की पूरी हमें रचना है वो समझ कर अपने नए चीजों के लिए, नई चीजों के हिसाब से चीजें बनाने की जरूरत आ पड़ी। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ ही समय में हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इस तरह की चीजें होंगी, जो निर्मिति है पृथ्वी की, मतलब जो खान पान है, जो हमारी खेती है, वो कम कम होती जाएगी, कम निर्माण करेगी, अगर पीक ही नहीं आएगा तो खाओगे, तो इसका जो इफेक्ट है ये पूरी दुनिया पर होगा, पूरी पृथ्वी पर होगा। और यही इफेक्ट होता है सूरज के द्वारा। आप जानकर हैरान होंगे कि 1920 में एक रशियन साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका नाम था अलेक्जेंडर चीजोवेस्क। ये बंदा कॉस्मोबायोलॉजिस्ट था। ये कॉस्मोबायोलॉजिस्ट जो चीज है ये बहुत कम लोग जानते हैं।
जो कॉस्मिक बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, जो ग्रहों को बीच की जो आंतरिक स्थितियां है उसको स्टडी करने वाला ये एक डिपार्टमेंट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। ये कॉस्मोबायोलॉजिस्ट जो लोग हैं, इस इंसान का नाम था अलेक्जेंडर चिजोवस्की। जिसे भी लगता है वो गूगल पर इसका सर्च कर सकता है। इस बंदे ने आयोनाइजेशन, इस तरह की चीज़ों को निर्माण किया। उसने ये पता किया कि सूरज पर हर 11 साल में आणविक विस्फोट होते हैं, और जब जब सूरज पर आणविक विस्फोट होंगे तब तक उसका जो परिणाम है वो पृथ्वी पर बड़ा घातक होता है। हुआ ये कि जब उसने ये पता किया तो उसने पिछले 600-700 साल के ग्राफ निकाले और ये पता किया कि कब कब सूरज पर ब्लास्ट हो रहे और उस ब्लास्ट के कारण पृथ्वी पर किस तरह की स्थिति है। तो उसने ये पाया कि हर 11 साल में कहीं पर युद्ध हुए, कहीं पर शांति हुई, कहीं पर आक्रमण हुए, कहीं पर कुछ हुआ, पृथ्वी की स्थितियां बदली, कुछ ना कुछ इस पूरी दुनिया में घटता ही रहा जो हर 11 साल के अंतराल में हुआ। तो उसके हिसाब से पृथ्वी पर होने वाली चीजों का सबसे ज्यादा असर सूरज के कारण हो रहा। और ये सच भी है, अगर हम किसी भी शास्त्रों को पढ़े दुनिया भर के, तो हम ये पाएंगे कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई। हम ये पाएंगे कि हर दुनिया के धर्म ने यही कहा है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, हम ही खुद को अलग समझें। तो आप पाएंगे कि जो साधना के पथ है, दुनिया भर के धर्म के जो पथ है, उसमें एक चीज को बड़ी मान्यता है और वो ये है अहिंसा। उन्होंने कहा कि किसी को तकलीफ मत देना, किसी भी प्राणी, किसी भी पशु, किसी भी पक्षी तब तक तकलीफ मत देना जब तक तुम्हें जरूरत ना हो, जब तक तुम मर नहीं रहे हो उनको तोड़ने के बगैर। किसी वनस्पति को तब तक मत तोड़ना जब तक तुम्हें उस वनस्पति की जरूरत नहीं है। यूं ही किसी को काटते मत घूमना, हत्या मत करना। ये हत्या मत करने का कारण सिर्फ इतना ही नहीं था जो हम ऊपर ही तलों पे लेते हैं। जिन्होंने थोड़ा भी अपने भीतर देखा, उन्होंने यही पाया कि ये पूरा का पूरा निसर्ग, ये पूरी की पूरी पृथ्वी बहुत सही ढंग से अपने से जुड़ी हुई, हर इंसान से जुड़ी हुई। इस पृथ्वी पर कुछ भी टूटता है, कुछ भी गमता है, किसी को भी कुछ भी तकलीफ देती है, तुम्हारे आसपास के निसर्ग को कोई भी तकलीफ होगी तो इनडायरेक्टली तुम्हें ही तकलीफ होगी।